गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ चैप्टर 1. सो द क्वेश्चन इज पुट ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल्स टू. ए पार्ट इज 619 एंड 591. इसमें से बताना है कि कौन सा बड़ा है. ठीक है, ये देखो, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी है. इसमें कितनी है? 1, 2, 3. इसमें भी कितनी है? 1, 2, 3. अगर जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम हो वो हमेशा छोटा होता है. ठीक है, जैसे इधर 41 है और एक है 364. इधर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 1, 2. इधर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 3. तो कौन सा छोटा होएगा? ये वाला 41. तो इधर ये वाला साइन आएगा. इस साइन का जो मुंह खुला होता है वो बड़े की तरफ होता है. ठीक है, ऐसे डालते हैं इसको. अब इसमें देखो 619 एंड 591 तीनों में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है? सेम है ना. तो देखो फर्स्ट डिजिट देखो इसका, इसका कितना है? 6. इसका कितना है? 5. कौन सा बड़ा होता है? 6 बड़ा होता है ना. तो कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर देन का. ठीक है, इसकी तरफ जो साइन का मुंह है वो खुला होएगा. नेक्स्ट बी पार्ट देखो 739 647. इसमें भी देखो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 3. इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 3. तो फर्स्ट डिजिट देखो इसका, इसका 7, इसका कितना है? 6. 7 बड़ा होता है 6 से, तो कौन सा नंबर बड़ा आएगा? ये वाला. तो कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर देन. नेक्स्ट सीसम देखो 238 283. इसमें भी देखो सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स 3, इधर भी नंबर ऑफ डिजिट्स 1, 2, 3. अब फर्स्ट डिजिट देखो दोनों का, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों का सेम है ना. तो नेक्स्ट डिजिट देखो अब सेकंड वाला, इसमें 3 है, इसमें सेकंड डिजिट 8 है. कौन सा बड़ा होता है 3 और 8 में से? 8 बड़ा होता है ना. तो हमारा ये वाला नंबर बड़ा होएगा, मतलब ग्रेटर होएगा. तो कौन सा साइन आएगा? लेस देन. इस तरफ मुंह जो है साइन का वो खुला होएगा. नेक्स्ट डी पार्ट देखो 119 109. इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 3. इधर भी 3 है. तो फर्स्ट डिजिट देखो दोनों का, इधर 1, इधर 1, दोनों सेम है ना. तो नेक्स्ट डिजिट देखो, इधर 1, इधर 0. अब 1 और 0 में से कौन सा बड़ा होता है? 1 बड़ा होता है ना. तो ये 119 है, जो 109 से बड़ा होएगा. तो ग्रेटर देन का साइन आएगा. नेक्स्ट ई पार्ट देखो 647. इधर भी क्या है? 647. दोनों नंबर सेम है ना. तो क्या आएगा? इक्वल्स टू. जब दोनों नंबर सेम होते हैं तो हम इक्वल्स टू का साइन डालते हैं. इस साइन को हम इक्वल्स टू बोलते हैं. एफ पार्ट 891 819. इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 3. इधर भी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 3. फर्स्ट डिजिट देखो 8, इधर भी 8, दोनों सेम है ना. अगर दोनों सेम आ जाएं तो हम नेक्स्ट डिजिट देखते हैं. 8 के बाद इधर क्या है? 9. इधर क्या है? 1. 9 और 1 में से कौन सा बड़ा होता है? 9 बड़ा होता है ना, इसलिए कहाँ पे साइन आएगा? बड़ा ये वाला हो गया हमारे पास, तो हम ग्रेटर देन का साइन डाल देंगे. नेक्स्ट देखो जी पार्ट 245 452. नंबर ऑफ डिजिट्स इधर भी 3, इधर भी 3 हैं. फर्स्ट डिजिट देखो, इधर 2, इधर 4. कौन सा बड़ा होता है? 4 बड़ा होता है. तो ये वाला साइन आएगा. नेक्स्ट एच पार्ट देखो 430 320. नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 3. इधर भी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 3. तो फर्स्ट डिजिट देखो, अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है. कौन सा बड़ा होता है 4 और 3 में से? 4 बड़ा होता है ना. तो ये वाला नंबर है, ये बड़ा आएगा, मतलब ग्रेटर देन का साइन है. ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे 6 क्वेश्चन. फिलिंग द ब्लैंक्स.
फर्स्ट है देयर आर डैश थ्री डिजिट नंबर्स इन ऑल। हमने बताना है कि थ्री डिजिट नंबर जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं। अब देखो थ्री डिजिट नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होता है, 999 होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, 100 होता है। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा उसमें 1 प्लस करेंगे। अब इन दोनों को माइनस करो, 9 में से 0 माइनस करोगे 9, 9 में से 0 माइनस करोगे 9, 9 में से 1 माइनस करोगे 8। अब इस आंसर में 1 प्लस करो, क्या आएगा, 900। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 900। तो हमारे पास टोटल 900 थ्री डिजिट नंबर्स होते हैं टोटल, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखो बी पार्ट, डैश इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, डैश इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर कौन सा होता है, देखो आप काउंटिंग करते हो, पहले 1 2 3 आता है ना, 0 1 2 3, तो वो 1 डिजिट का होता है ना। फिर जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते हैं, 9 के बाद 10 आता है, मतलब फिर 2 डिजिट के स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे ही 12 13 14 15, 98 96 90, ऐसे नंबर चलते हैं ना। तो 99 तक हमारे पास 2 डिजिट नंबर होते हैं, तो 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है ना। तो सबसे पहला जो थ्री डिजिट नंबर है वो 100 है ना, तो वो नंबर जो सबसे पहले आता है थ्री डिजिट नंबर में वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो कौन सा नंबर हो गया सबसे स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, 100। नेक्स्ट सी पार्ट, डैश इज द स्मॉलेस्ट सॉरी ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर, डैश इज द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर। अब ये देखो ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर बताना है। अब जो 100 होता है वो तो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ग्रेटेस्ट कौन सा होता है थ्री डिजिट नंबर, जो सबसे बाद में आता है थ्री डिजिट नंबर के, जैसे आप 100 करते हो, 101, फिर 102, ऐसे करते करते 200 आता है, फिर 300 आता है, 400, ऐसे करते करते 900 आता है ना, फिर 999 आता है ना एंड में सबसे, 999 के बाद हमारे पास 1000 आता है, 1000 तो 4 डिजिट का हो गया, तो 1000 के पहले हमारे पास 999 आता है नंबर जो 3 डिजिट का होता है, और वो सबसे बड़ा नंबर है 3 डिजिट नंबर, मतलब सबसे ग्रेटेस्ट है। तो क्या लिखेंगे, 999 इज़ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7 क्वेश्चन, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स आर देयर इन होल। टोटल हमारे पास टू डिजिट नंबर जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, हमने जो फिलअप में क्या किया था, हमने बताना था थ्री डिजिट नंबर टोटल कितने होते हैं, अब हमने बताना है कि टू डिजिट नंबर वाले टोटल कितने होते हैं। वैसे ही सबसे बड़ा लिखो टू डिजिट नंबर कौन सा होता है, 99, और सबसे स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा होता है, 10, ठीक है। अब दोनों को माइनस करो, क्या आएगा, 9 में से 0 माइनस करो 9, और 9 में से 1 माइनस करो 8। अब इसमें हम 1 प्लस करेंगे, क्या आएगा, 90। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 90। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखा टू डिजिट का, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखा टू डिजिट का, उन दोनों को प्लस किया, फिर जो आंसर आया है सॉरी माइनस किया, फिर जो आंसर आया है उसमें 1 ऐड करेंगे हम, तो टोटल उतने नंबर होते हैं हमारे टू डिजिट नंबर वाले। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 90। अंडरस्टैंड।